समझ में नहीं आ रहा क्या कि जब भरत सिंह कहते थे कि वो नास्तिक हैं तो वास्तव में परंपरागत धर्म, सड़े गले धर्म, संस्थागत धर्म को नकार रहे थे, नहीं तो एक ऊंचे आदर्श के लिए शरीर की आहुति दे देने से बड़ा धार्मिक काम क्या होगा? अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वो तो भगत सिंह स्वयं है। मुझे बताओ, तुम अपना प्राणोत्सर्ग कर रहे हो, तुमने तो पूरी भौतिकता ही खो दी ना अपनी। अगर जान चली गई तो जरा भी भौतिकता बची तो कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता निछावर कर रहे हो। माने तुम मान रहे हो ना कि इस भौतिक शरीर से ऊंचा कुछ होता है। भगत सिंह ने उस ऊंचे लक्ष्य को नाम दिया था आजादी। आजादी, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या नाम दे रहे हो, इतना मानना काफी है कि तुम्हारी शारीरिक सत्ता से ज्यादा कीमत किसी और चीज की है। भगत सिंह का जीवन ही इस बात का प्रमाण है। 22-23 साल में वो कह रहे हैं नहीं चाहिए बाकी पूरी जिंदगी, अभी 60-70 साल और जीते, बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत क्या है। ये तो संतों वाली बात हो गई ना, बिल्कुल नहीं जीना, शरीर की हैसियत क्या, आजादी बड़ी चीज है, आजादी चाहिए। तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ चुके थे, वो पीछे से पूछने गए थे कि मैं बम फेंकूं इसमें मेरा फायदा है कि नुकसान है, और तुम्हारे तर्क पे चले होते तो फिर तो हो गया था काम। तुम्हारे तर्क पे चले होते तो फिर फोन मिला रहे होते कि पापा बम फेंके कि ना फेंके। जवानी ये सब बातें नहीं करती, दूसरे हमारा फायदा देखें, दूसरे हमारा फायदा देखें, जवानी अपना रास्ता खुद बनाती है। झुंड में नहीं चलती जवानी, शेर की तरह, कैसे अकेले। खुदी राम बोस पता है कौन है? 18 साल के टीनेजर थे जिन्होंने शहादत कबूल ली थी, अंग्रेजों के हाथों मारे गए थे। पर इस टीनेजर का नाम लड़कों को नहीं पता होगा कि मुझे बताओ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने साल के थे जब फांसी पर चढ़े थे, तो ये भी नहीं पता होगा। जबकि ये तीनों ही 22-23 साल के थे और 23 मार्च को फांसी पर चढ़ गए थे। अब टीनेजर को या यंग एडल्ट को संगति चाहिए, सवाल ये उसे किसकी संगति मिल रही है? इन जैसे टीनेजर्स की संगति मिल रही है क्या उसको? और बहुत जबरदस्त किशोर और युवा हुए हैं भारत के और दुनिया के इतिहास में, मैं उनका नाम लेता चलूँगा। मैं अगर अभी तुमसे पूछूं कि विनय बसु के बारे में बताओ, तो ये नाम ही शायद तुमने खुद ना कभी सुना हो कि विनय बसु ये कौन है। विनय बसु एक बहुत जबरदस्त जवान क्रांतिकारी थे और उनके साथ नाम अमर है बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता का। अब आप कहेंगे बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, तो थोड़ा सा जा करके इंटरनेट पर पढ़िए तो सही, या कोई किताब लेकर के पढ़िए तो सही, बैटल ऑफ द वेरांडा, कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग, वहां पर ये तीनों युवा क्रांतिकारी घुस गए थे और आईजी सिम्पसन था जिसने बहुत क्रूरता पूर्वक दमन कर रखा था भारतीयों का और जेलों में बंद क्रांतिकारियों का। तो वहां घुसे, वहां उसको गोली मारी और उसके बाद बड़े सशक्त पुलिस बल से कुछ देर तक लोहा लेते रहे। उसके बाद तीनों अपनी मर्जी से शहीद हो गए और विनय बसु ने खुद को गोली मारी, उसके बाद भी जिंदा रह गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ करके अस्पताल में भर्ती कराए। उन्होंने जहां गोली लगी थी वो उस जगह को जानबूझ करके अपने हाथों से लगातार खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। ये भी तो एक जवान आदमी है ना, और इनके साथ दो टीनेजर थे, 18-18 साल के ये लड़के थे, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, 18 साल समझते हो, 12वीं का लड़का। इनके बारे में क्यों नहीं पता है हमारे आज के टीनेजर्स को, क्या वजह है? और ये बड़ी जबरदस्त कहानी है, टीनेजर्स की भाषा में कहें तो इम्प्रेसिव भी है और इंस्पिरेशनल भी है। यतीन्द्रनाथ थे, उन्होंने कहा जेलों में क्रांतिकारियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है तो अनशन करेंगे,
और वो अनशन उनका ऐसा था कि 63 दिनों तक उन्होंने कुछ अपने भीतर जाने नहीं दिया। उनकी नाक के भीतर नली लगा करके कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की जाती तो खांसना शुरू कर देते ज़ोर से। 63 दिन समझते हो, 63 दिन बिना कुछ खाए पिए रहना, और ये 24 साल के थे। एक बार में फांसी पर झूल जाना या गोली खाकर मर जाना तो फिर भी अपेक्षतया थोड़ा आसान है। 63 दिनों तक धीरे धीरे जानबूझ करके मौत की ओर बढ़ना समझो तो 24 साल का लड़का ही है, इनके बारे में पता ही नहीं होगा ना। मैं अभी पूछूं सूर्य सेन के बारे में बताओ, निर्मल सेन के बारे में बताओ, तो कुछ नहीं बता पाएंगे टीनेजर्स और लड़के। तो इनकी संगति तो नहीं ही कर रहा है आज का युवा वर्ग, किसकी संगति कर रहा है? इस सवाल के साथ रहो, किसकी संगति कर रहा है? टीनेजर है आज का, इनको तो अपना रोल मॉडल नहीं मान रहा है। तो आज का जो टीनेजर है वो फिर संगति कर किसकी रहा है? शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये 15-15 साल की लड़कियां थीं। 18 की उम्र में 12वीं में होते हो अगर, तो 15 की उम्र में तो 9वीं-10वीं में होते हो, और 15 की उम्र में इन्होंने जा करके गोली चला दी थी सीधे और जेल चली गई थी, अंग्रेजों पर सीधे गोली चला दी थी। और ये वो उम्र है जब आज की टीनेज लड़कियां ऐसा व्यवहार कर रही होती हैं अधिकतर, जैसे अभी छोटी सी नन्ही सी डॉल हों, गुड़िया हों। कनकलता बरुआ का नाम ही नहीं सुना होगा इन टीनेज लड़के लड़कियों ने, मृत्युवाहिनी की सदस्य थीं और 17 की उम्र में प्रदर्शन कर रही, भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के गोली खाई, और अंग्रेजों ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर निकलोगे सड़क पर तो गोली खाओगे। चेतावनी के बावजूद निकली, सामने से गोली खाई और सड़क पर ही वीरगति को प्राप्त हो गई। और ये 17 साल की है, क्या इनके बारे में जान रहे हैं आज के टीनेजर्स? इनके बारे में तो नहीं जान रहे। कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वादेदार, इनका नाम भी सुना है आज की किशोर टीनेज लड़कियों ने? 21 साल की थी प्रीतिलता, चटगांव में जो ब्रिटिश क्लब था, एंटरटेनमेंट क्लब, उसमें जा करके बम लगाई, फायरिंग करी, और जब क्लब के भीतर से जवाबी फायरिंग होने लगी, एक गोली उनको लग गई तो साइनाइड खा करके जान दे दी। ये तो 21 की थी। और कल्पना दत्त और बीना दास इनके साथ जब थीं तो वो 18-18 साल की थीं। 18 की साल में ज़बरदस्त तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में उतर भी गईं, पकड़ी भी गईं, जेल भी हो आईं। इनके बारे में हमारा टीनेजर नहीं जान रहा है। उस सवाल के साथ रहना कि इनके बारे में हमारा जो टीनेजर है वो क्यों नहीं जान रहा है, और जबकि इनकी कहानियां ऐसी हैं कि जानने लायक हैं। एक बार आप इनकी कहानियों के साथ हो लो तो उसके बाद दुनिया भर की जो बेहुदा दो कौड़ी की खुराफाती कहानियां हैं वो आपके दिमाग से तुरंत उतर भी जाएंगी। भगत सिंह ने पूरे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष क्यों किया? क्योंकि अकेले अकेले आज़ादी तो वैसे भी नहीं मिलने की। ये वास्तव में कोई सामाजिक या राजनैतिक पहल नहीं थी, ये किसी बर्बर विदेशी शासन के प्रति आक्रोश या क्रांति मात्र नहीं था। मूलतः यह आध्यात्मिक मुक्ति का अभियान था। एक ऐसी मुक्ति जिसमें तुम कहते हो मेरे शरीर की बहुत कीमत नहीं, 22-23 साल का हूं, फांसी चढ़ जाऊं क्या फर्क पड़ता है, शरीर के साथ मेरा तादात्म्य वैसे भी नहीं है, मैंने तो अब पहचान बना ली है बहुत बड़ी सत्ता के साथ। भगत सिंह के जीवन में वो बहुत बड़ी सत्ता थी भारत देश, समझ में आ रही है बात? इसलिए मिलती है जवानी, इसलिए नहीं मिलती कि शरीर को ही खुराक देते जाओ और शरीर की मांगों को मानते जाओ और कामनाओं को पोषण देते जाओ। जवानी मिलती है ताकि उसका उत्सर्ग हो सके, ताकि वो निछावर हो सके।
जिस उम्र में हम अपने आप को बहुत लोग दुधुआ बच्चा ही समझते हैं, उस उम्र में वो चढ़ गए फांसी पर। और ये कोई किशोरावस्था का साधारण उद्वेग नहीं था, भगत सिंह का ज्ञान गहरा था, दुनिया भर के तमाम साहित्य का अध्ययन किया था उन्होंने, खास तौर पर समकालीन क्रांतिकारी साहित्य का। समाजवाद, साम्यवाद, इनकी तरफ झुकाव था उनका, खूब जानते थे, समझते थे। किसी बहके हुए युवा की नारेबाजी नहीं थी भगत सिंह की क्रांति में, गहरा बोध था। और वो बोध, मैं कह रहा हूं, मूलतः आध्यात्मिक ही था। अन्यथा जीव में देहाभिमान इतना गहरा होता है कि यूं ही कोई शरीर नहीं त्याग सकता। जब कोई आम युवा जीवन की चकाचौंध और रंगीनियों के ख्वाब देखता है, उस समय भगत सिंह अपने जीवन की निजी मांगों से बहुत दूर, बहुत आगे जा चुके थे। 23 साल, 25 साल, 27 साल काम, नौजवान देखता है कि किस तरीके से घर बसा लूँ, कोई स्त्री मिल जाए। और भगत सिंह से कहते हैं, एक दफ़े उनकी माताजी ने विवाह का प्रसंग छेड़ा कि बेटा शादी, तो भगत सिंह बोले, हो चुकी शादी, हो चुकी आज़ादी दुल्हन है मेरी, उसी के साथ हो गया आप गठबंधन। अब किसी स्त्री वगैरह के लिए कहाँ जगह है, ये क्या है, ये आध्यात्मिक समर्पण है मुक्ति के प्रति, कि और कुछ मायने नहीं रखता, न देह कीमत रखती है, न सामाजिक परंपरा कीमत रखती है, न मन की कामनाएं कीमत रखती हैं, मुक्ति मात्र कीमत रखती है, उसी को समर्पित हो चुके हैं, उसी से मिलन हो चुका है, यही योग है। जवान हो तो जीने का एक ही तरीका है, किसी बहुत बहुत ऊंचे लक्ष्य को, उद्देश्य को, मिशन को समर्पित हो जाओ, नहीं तो जवानी माने फिर यही समस्याएं, उलझाओ, समय की बर्बादी, मन का गंदा रहना, लफड़े झगड़े, अतृप्तियां, वासनाएं और फिर निराशाएं। ऐसे न जीना हो तो फिर उनकी ओर देखो, सादर देखो, सप्रेम देखो, जिन्होंने अपने से आगे के किसी काम के लिए अपने आप को आहुति बना दिया। और तरीका कोई नहीं जीने का। हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जा हथेली में लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर्ज उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, जिंदगी तो अपनी महमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।